अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल एमी रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हॉट स्वीट एंड स्पाइसी कॉर्न चाट रेसिपी, जिसे आपने मॉल्स में और थिएटर में मूवी देखते टाइम बहुत खाया होगा और इन्जॉय किया होगा। तो वही सेम टू सेम कॉर्न चाट मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। कॉर्न चाट बनाने के लिए जो इसका मेन इन्ग्रीडियंट है कॉर्न, यहाँ मैंने लिए हैं 1 किलो। भुट्टो के साथ बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ 2 से 3 लाल मिर्चें ली हैं सूखी हुई। 50 ग्राम गुड़ लिया है और इसको मैंने इस तरह छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है। 15 से 16 इमली के खतारे लिए हैं और 1/2 टेबल स्पून लिया है नमक। तो मैं इन भुट्टो को कुकर में बॉईल करूँगी। आप चाहें तो आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। अगर आप पतीली में बॉईल कर रहे हैं तो उसमें आपको लगेंगे 15 मिनट। तो यहाँ मैंने भुट्टे डाल दिए हैं जिनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, और बाकी दूसरे इन्ग्रीडियंट्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं। हमें इसके अंदर बस इतना पानी ऐड करना है कि भुट्टे जो हैं वो आराम से पानी के अंदर भीग जाएं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 कप लिए हैं पानी के। इन्हें बॉईल होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ इन्हें बॉईल करने के लिए 2 सीटियाँ लूँगी, और 2 सीटियाँ आ चुकी हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेंगे। ये काफ़ी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें कुकर से बाहर निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडे हो सकें। और ये जो इसका पानी है, हमें ये फेंकना नहीं है। जब हम कॉर्न चाट बनाएंगे तो उस टाइम पर हमें इसे डालना होगा कॉर्न चाट में। तो आप इसे निकाल कर किसी बर्तन में साइड में रख लें। और यहाँ भुट्टे भी ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इन्हें नाइफ की हेल्प से इसके दाने निकाल रही हूँ। आप चाहें तो आप जल्दी जल्दी हाथ से भी इसे निकाल सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल रहे आप निकाल लें। एक बार ये कॉर्न चाट आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप ये एक बार ट्राई कर लेते हैं तो आप इसे बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको ये बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्दी ये चाट रेडी हो जाएगी, बस कुछ ही देर में इसके दाने सारे निकल जाएं। तो मैंने कुछ को नाइफ़ की हेल्प से निकाल लिया है और कुछ को हाथ से जल्दी जल्दी निकाल लिया। बस इनको निकालने में ही मुझे 10 से 12 मिनट लग गए। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसे हल्का गर्म कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून बटर। तो जैसे ही बटर मेल्ट होता है हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्न। बारिश में भुट्टा खाने का मज़ा ही अलग है। आप इसकी ऐसे चाट बनाकर खाएंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्न। और कॉर्न ऐड कर लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि बटर का जो फ्लेवर है वो कॉर्न में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप वो पानी जिसमें हमने भुट्टे बॉईल किए थे। इस पानी को आप फेंके नहीं, इसे आप भेलपूरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है, और इसमें ऐड की है 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है चाट मसाला, और 1 लेमन का रस। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे गरम गरम ही सर्व करें, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।